Good morning, everyone. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. कैसे मेरे बच्चे? बढ़िया है एकदम. स्टार्ट कर दी जाए क्लास. शुरू गैंगस्टर्स. एकदम बढ़िया. चलो. यस, आज थोड़ा सा उठने में प्रॉब्लम हो रही है. बिकॉज थोड़े दिन हो गए उठे बिना. हल्का सा लग रहा है यार, ये क्या हो गया, सुबह सुबह उठना पड़ रहा है. यस चिडून, कुछ नहीं होता. 40-45 दिन की बात है, वो भी एक बार आपके सारे क्वेश्चन, एक बार सारे आपके टॉपिक्स हो जाए, उसके बाद तो मॉक टेस्ट ही है, राइट? थोड़ी सी बात है, टेंशन मत लो. चलो एकदम स्टार्ट करते हैं. कैन यू ऑल हियर मी? डन. आई नो सुबह सुबह उठना किसी को पसंद नहीं है. इमेजिन, तुम्हारा तो एग्जाम है, मैं तो तुम्हारी टीचर हूँ, मैं तो आराम से सो सकती हूँ. यस, एकदम ऐसे होकर 10 बजे उठ सकते हैं, पर कुछ नहीं होता गाइस, थोड़े दिन की मेहनत रहेगी, राइट? और ये मेहनत ही है जो हमें हेल्प करेगी आगे लाइफ में. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? चलिए. सो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, लेट्स गेट स्टार्टेड. फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज डॉक्टर वाली. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो मी, बट आई बीन टीचिंग फॉर 13 इयर्स. माय 13th ईयर टीचिंग. आई हैव टॉट एंड मेंटर ओवर 8 टू 10 लाख स्टूडेंट्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ नीड्स, राइट? One of the biggest feather in my cap is this book, which is the first book by MTG and Dr. Vani, and the second book is about to come. And I guarantee दे सकती हूँ कि अगर आपने ये वाली book 3 या 4 बार पढ़ ली, तो आपके 360 out of 360 आने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता. Yes, why is this not clear? ऐसे कैसे हो गया? Thank you so much, Adya. Arya, can you hear me? Why should be clear? पैशन फॉर म्यूजिक कम आ रही है, ऐसे कैसे हो गया? अब देखो, चेक चेक चेक, माइक्रोफोन इज इट बेटर? ना लाइक चुनू में. चलो बिल्कुल ठीक है आवाज. डन, क्लियर है ना? चलो फिर स्टार्ट कर दे टॉपिक एवरीबॉडी. ओके, क्लियर एवरीबॉडी? यस मैम, प्रीतु, हार्दिक, उमंग. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. अच्छा गाइस, एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी भी क्रैश कोर्स के लिए हमारे पास टाइम है. तो अगर किसी बच्चे की पढ़ाई अभी भी वीक चल रही है, स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री में, बच्चों ने अभी तक भी मॉक टेस्ट देना शुरू नहीं किया है, Go and get the crash course, right? मैं जरूर भूत की तरह गायब हो गई थी बीच से. Sorry guys. Actually हुआ क्या? यार मेरी तार नीचे गिर गई, जिसकी वजह से इंटरनेट की तार निकल गई और वो टूट गया. बट मैं ये बोल रही थी कि अगर अभी तक भी आपने क्रैश कोर्स नहीं लिया गाइस, इसमें मॉक टेस्ट है, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो आपका वीक है, इसमें कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन है और अनलिमिटेड डाउट पूछने की विंडो है. तो प्लीज अगर आपने अभी तक नहीं लिया है, go get it. It is really, really good. Done. Chalo. So without wasting even 1 second, फटाफट चलते हैं NCERT पे
और एनसीईआरटी पर चल के आज का पाठ खत्म करते हैं। और अगर आपको क्रैश कोर्स लेना है, लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अटैच होता है और कोड आपको लगाना है या वीडी नीट या वीडी प्रो। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? लेट्स स्टार्ट। अभी सब ठीक है राइट एवरीबॉडी? चलिए ओके। तो अब आवाज भी आपको लाउड सुनाई दे रही होगी, जो आपको लो सुन रही थी वो भी तेज हो गई होगी। और अब हम चलते हैं टुवर्ड्स आवर एनसीईआरटी चैप्टर 4 का पीडीएफ। इसको कर दो फुल स्क्रीन और 150% दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? अब तो आवाज लो नहीं है, एब्सोल्यूटली क्लियर है? मैंने माइक का सिस्टम बदल दिया है? डर, उठ जाओ, जागो मोहन, जागो जागो प्यारो। चलो 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 चलो, पिन ड्रॉप साइलेंस, बहुत तेज है, परफेक्ट, पिन 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 ड्रॉप साइलेंस। चलो ओके, अब मेरी बात सारे बच्चे कान खोल के ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे। एनिमल किंगडम, अब बेटा बहुत जरूरी था क्योंकि मिलियंस ऑफ स्पीशीज थी कि हम हर किसी को एक सिस्टमैटिक पोजीशन दें। तो हर चीज में सिस्टमैटिक पोजीशन देने के लिए हम क्या करते हैं? क्लासिफाई। अब मैंने एक एक चीज को अंडरलाइन करके एमसीक्यू लिखा हुआ है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहली चीज, सारे ऑर्गेनिजम्स में कुछ फंडामेंटल फीचर्स कॉमन होते हैं बट कुछ डिफरेंसेस होते हैं जिनके बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई करते हैं। सेल्स कैसे अरेंज है, बॉडी की सिमेट्री कैसी है, नेचर ऑफ सीलोम कैसे, सूडोसीलोम है, एसीलोमिक है, डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे, इन बेसिस पे हम उनको सेपरेट आउट करेंगे। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? डन? यस। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कैसे हमने उनको सेपरेट आउट कर दिया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले आते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, एवरी ईयर क्वेश्चंस विल कम। तो सबसे पहले आ जाओ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। सारे ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है पर वो एक जैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं करते। That means, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने याद रखनी है, सारे एनिमेलिया मल्टी सेलुलर है। अब अगर स्पॉन्जेस की बात करो, लूज सेल एग्रीगेट है तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। ये क्वेश्चन 5 या 6 बार आ चुका है, राइट? स्पॉन्जेस में क्या होगा? सेलुलर लेवल ऑफ एग्रीगेशन, सेलुलर। इज दैट क्लियर? सेलुलर एमसीक्यू है। डिविजन ऑफ लेबर अकर इन सेल्स, कई सेल्स डाइजेशन का काम करेंगे, राइट? लाइक दैट। सीलन ट्रेटा में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, ये देखो एमसीक्यू नेक्स्ट, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सीलन ट्रेट से शुरू होता है। प्लैटी हेलमिंथस से ऑर्गन्स बनते हैं तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। एनलिड आर्थ्रोपोड और मोलस्का में ऑर्गन सिस्टम बनने लग जाएंगे, राइट एवरीबॉडी? ऑर्गन्स आर अरेंज्ड इन फंक्शनल सिस्टम्स, तो वहां पर ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा। प्लैटी हेलमिंथस में एक सिंगल ओपनिंग होगी विच विल सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस, इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम को प्लैटी हेलमिंथस में इनकम्प्लीट कहा गया है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वो होगा जिसमें माउथ और इनस सेपरेट होगा। इस डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिस पे हमने दो तरह से क्लासिफाई किया है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ओपन टाइप, एक क्लोज टाइप। दो तरह से क्या होता है, एक जिसमें ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान होता है सिर्फ माउथ, एक जिसमें ट्यूब विद इन ट्यूब होता है माउथ और एनस। क्लियर है? टिश्यू लेवल क्लियर है, सेलुलर लेवल क्लियर है, ऑर्गन लेवल क्लियर है, ऑर्गन सिस्टम लेवल क्लियर है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान क्लियर है, ओनली वन ओपनिंग ट्यूब विद इन ट्यूब क्लियर है, टू ओपनिंग्स। नाउ वी कम टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ टू टाइप्स, ओपन टाइप जिसमें सेल्स आर डायरेक्टली बेथ्ड बिकॉज ब्लड जो है वो हार्ट से ओपन स्पेस में जाता है, जहां पे ब्लड हार्ट से वेन्स और कैपिलरीज के बीच में जाता है, ना कि एक ओपन सिस्टम, उसको हम क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इन दोनों पर ही एमसीक्यूज आने के चांस बहुत ज्यादा है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन जहां से एमसीक्यू आ सकता है मैं आपको करवा रही हूं। अब आ जाओ सिमेट्री कैसे दिखते हैं।
अगर आप बीच से एक लाइन काटोगे और दोनों हाफ बराबर हैं, बायलैटरल सिमेट्री, अगर आपने कोई भी सिमेट्री नहीं देखी, दैट इज रेफर टू एज एसिमेट्रिकल. कहीं से भी एक लाइन काटोगे ऐसे ऐसे ऐसे, दैट इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री. स्पॉन्जेस एसिमेट्रिकल होती है, एमसीक्यू क्वेश्चन. अगर सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी कहीं से भी प्लेन पासिंग दो इक्वल हाफ्स में बना देता है, रेडियल सिमेट्री. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? रेडियल किस किस में होती है? सीसीई, सीलेंट्रेट, स्टीनोफोर, इकाइलोडर्माटा. रेडियल किस में होती है? सीसीई. सारे आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ही एग्जाम में आएंगे. एनालिड, आर्थ्रोपोड, बाकी दो आइडेंटिकल हाफ एक ही प्लेन में होंगे, वन प्लेन. इसे कहते हैं bilateral symmetry. Is that clear everybody? Chiranjeevi, Adya, Jayati, Simran, Harsh, Reena, I know बच्चों सुबह उठना मुश्किल है, मुझे पता है सुबह उठना मुश्किल है, पर बेटा इसी से नंबर आएंगे. फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा मुश्किल है, अगर एनसीईआरटी पूरी कर जाएंगे आराम से हमारे मार्क्स आ जाएंगे. थोड़े दिन की बात है, 45 मोर डेज यू हैव टू स्ट्रगल विद मी. राइट, वाणी मैम भी तो आपके साथ स्ट्रगल कर रही है, मुझे पता है सुबह उठना मुश्किल है, 7 बजे से पहले नहीं उठ पाते, मैं भी तो आपके साथ देखो सैक्रिफाइस कर रही हूँ. राइट, आई एम ऑल्सो देयर विद यू सैक्रिफाइसिंग. बच्चों थोड़े दिन की बात है बस, उसके बाद एक बार कॉलेज चले जाओगे, एकदम रिलैक्स करना. थोड़े दिन की सैक्रिफाइस करना जरूरी है. अब टिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं? हमारे पास अगर दो जर्म लेयर है, एक्टो एंडो, सिर्फ दो जर्म लेयर लिखा है मैंने, एक्टो को अंडरलाइन कर दिया, एंडो को लिख दिया टिप्लोब्लास्टिक. ये होता है सीलेंट्रेट में, दोनों के बीच में मैंने देखो यहाँ भी एमसीक्यू लिखा है, क्योंकि दोनों ब्रेड के टुकड़ों के बीच में एक बटर की लेयर होती है, अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है, उसे कहते हैं मीसोग्लिया बिटवीन द एक्टो एंड द एंडो. सारे फाइलम में जो जो इंपॉर्टेंट है बेटा मैं सब कुछ अंडरलाइन करके लाई हूँ, आपको बिल्कुल एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी, मैं रात को बैठकर ये सब कुछ अंडरलाइन करके लाती हूँ. कई बार एक थर्ड जर्माइनल लेयर आ जाती है इन बिटवीन एक्टो एंडो, थर्ड का नाम होता है मीसोडर्म, जिसमें मीसोडर्म होता है वो होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, फॉर एग्जांपल प्लैटिहेलमिंथस टू कॉर्डेट. पता है मुझे इट इज मुश्किल बेटा, नहीं उठा जाता सुबह. राइट, 40 दिन तुम लोग मेरे साथ मेहनत कर लो बस. इज दैट क्लियर? जस्ट 40 डेज बेटा रिजल्ट अच्छा होगा. 40 दिन सुबह उठ जाओ, 40 दिन मेरे साथ मेहनत कर लो बस. डन, चलो. सीलोम एक बॉडी की कैविटी होती है. यस, बॉडी की कैविटी बॉडी की वॉल और गट वॉल के बीच में होती है. मतलब एक एक पाइप यहां है, ये बॉडी की वॉल है, तो बॉडी की जो वॉल है और गट के बीच में जो कैविटी है उसको कहा जाता है सीलोम. कैविटी इज बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल, देखो यहां एमसीक्यू लिखा है मैंने, इसे कहा जाता है सीलोम. जिनके पास सीलोम है उन्हें कहा जाएगा सीलोमेट्स. सीलोमेट, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? सीलोमेट कौन कौन है? एनालिड, मॉलस्क, आर्थ्रोपोड, इकाइलोडर्माटा, हेमिकॉर्डेट, कॉर्डेट. प्लीज एग्जांपल्स याद रखिए, ये सारे आपके सीलोमेट हैं. दर्शनी, आई विल स्पीक इन इंग्लिश, डोंट वरी. ओके, सो स्पीक इन इंग्लिश, डोंट वरी. नाउ प्लीज एवरीबॉडी फोकस, आई बीन टेलिंग यू जस्ट नेक्स्ट 35-40 डेज. 30 days we will finish this and we will last 20 days we will only do mock test papers, but I want you to study guys, this is your exam guys, this is your exam not my exam, please focus. Right, so coelomates ki example de diye. In some animals the body cavity is not lined by mesoderm. There is a cavity between the gut wall and body wall. There is a cavity, but it is not lined by mesoderm. When the cavity is not lined by mesoderm, it is called pseudocoelomate. Is that clear? Not lined by mesoderm, it is called pseudocoelomate. Example is Aschehalmintis. Some organisms do not have this cavity. For organisms do not have this cavity, it is called as acoelomate. Example is Platyhelminthes. 100% MCQ question. Is that clear, everyone? Reena, how are you? Let us come to segmentation. Some organisms, external and internal segments are there. For example, earthworm, MCQ question, 3-4 times asked. It shows segments called metameric segmentation phenomenon is called as metamerism. Let us now come to notochord. Some organisms have mesodermal
all MCQ derived rod like structure. It is not on the ventral side. No, it is on the dorsal side. Animals who have a mesodermal structure on the dorsal side are called as chordates, and those who don't have it are called as non-chordates. Non-chordates are porifera to echinodermata. Right? Well done. तो कहाँ से होता है नोटोकॉर्ड, किससे डिराइव होता है? अगर एमसीक्यू में आगे क्या लिखोगे बताओ? नोटोकॉर्ड किससे डिराइव होते हैं? कमोन, आद्या, राजीव बाला, जनवी, प्रवीण, फ्लेम, अमसा, कीर्तना, राइट? किससे डिराइव होता है? इट इज डिराइव फ्रॉम मेसोडर्म. व्हिच साइड इज इट? इट इज ऑन द डॉर्सल और द वेंट्रल साइड? इट इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? डन. एंड गाइस, व्हेन योर टीचर इज देयर, व्हाई आर यू वरीड? Why are you taking tension? Don't worry, I will leave no stone unturned. I will do at least 15-20 mock tests. I will do all questions in CRT marking. I will do all questions at 9 PM. Don't worry. I know it is difficult to get up. मैं भी आंखें रोज मलती हूँ, हे भगवान, फिर 6 बजे उठना है, 5:30 उठना पड़ता है, चाय बनानी पड़ती है, स्टूडियो सेट करना पड़ता है, right? But just next few days, then imagine the success for you, imagine the success for me as a teacher. सारे बच्चों का selection हो जाएगा. Yes, few more days, classification of animals. इसको please रट्टे मार लो. देखो मैंने इस पे NCERT लिखा हो. Cellular level अभी तक क्या बताया मैंने आपको? Porifera. Tissue level कहाँ से शुरू हो जाएगा? Coelenterata. Radial symmetry क्या बताया मैंने आपको? Coelenterata, Spinophora. Without body cavity, acoelomate, platyhelminthes. False body cavity, pseudocoelomate, aschehelminthes. Procoelom, annelid, arthropod, mollusca, echinodermata, hemichordata, chordata. Bilateral classification is in the larval stages. Right? Coelenterata, Spinophora, radial symmetry. From platyhelminthes to chordata, bilateral. Please remember this 100%. It is going to come in the SP. Right? Can we do one phylum now? Can we do one phylum? Tell me. Now, most important are the examples. Cycon, Eusporgia, Spongula. Whatever examples are given to you, they are very important. Okay? So, they are sponges, phylum Porifera, marine, MCQ, asymmetrical, MCQ, cellular level of organization, MCQ, water transport system with small holes, ostia. 10 times this question has come. Osculum, cavity, spongocoel, cavity has collar cells, conocytes, collar cells which are going to trap the food, right? Kam se kam 4-5 baar ye question aa chuka hai. I don't want you to forget this at all, right? They line the collar cells, they line the spongocoel. Digestion is intracellular. Ye question bhi aaya hua hai. They have silica spicules or spongin fiber spicules or calcium spicules. That is why they are calcareous silicas or made up of spongin fibers. Sex is hermaphrodite. Male and female are produced by the same individual. This is the most important one again. Internal development of the larva, and it is indirect. There is a larval stage. So MCQ aega, marine, asymmetrical, cellular level, water transport, ostia, osculum, conocyte, silica, calcium, spongin, hermaphrodite, indirect. What do you mean by indirect? Right, so what do you mean by indirect? इनडायरेक्ट से मतलब होता है कि आपका द पॉइंट इज दैट इनडायरेक्ट मीन्स ऑटोमेटिकली वी आर बैक गाइस. काला गोला गैंग, डोंट वरी, 2 सेकेंड लगते हैं फिर भी काला गोला गैंग एक्टिव हो जाता है. थैंक्स भागवती, कल खाली पेट चाय नहीं पीऊंगी. ओके, अरे गाइस, 2 सेकंड लगते हैं. काला गोला गैंग तो दुनिया का सबसे ज्यादा एक्टिव गैंग है. 2 सेकंड में बिना लाइट आ जाए बस उसमें भी काला गोला गैंग एक्टिव हो जाता है. डन. इसके एग्जांपल्स देखिए. फ्रेश वाटर स्पॉन्ज,
स्पॉन्जुलाई बाथ स्पॉन्ज यूज स्पॉन्जिया दोनों एग्जाम्पल है एमसीक्यू मैंने एक एक अंडरलाइन किया हुआ है Done, use spongia. Well done. Phylum Coelenterata पे आ जाओ. Marine होते हैं, free swimming होते हैं, symmetrical होते हैं. Marine, free swimming, symmetrical. ये दिख रहा है Medusa head and polyp. Can you see Medusa head and polyp? देख लो. Coelenterate. Aurelia is Medusa head. Adamecia is polyp. Aurelia, Adamecia. Aurelia, Adamecia. Is that clear, everyone? Yo everybody, okay Amsa Hari, that's the reason why I'm telling you to get a crash course to really help you in physics and chemistry. Now, they have stinging cells, the stinging cells are called schneidoblasts or schneidocytes. Is that clear? Which have stinging capsule or nematocysts. Is that clear? Tentacles pe hote hai. Now, what is the use of schneidoblast? Anchorage, defense, capture of prey. Three uses. Fourth option ho sakte hai, all the above. Fourth option can be there, all the above. Samajh aa raha hai? So it is meant for anchorage, it is meant for defense, and it is meant for capture of the prey. They have a single opening tube within tube. MCQ question, blind side body plan, single opening. There is a single opening, blind side body plan question aaya hua hai. Tube within tube nahi hai, blind side body plan hai. Hypostome is the mouth. Digestion sponges intracellular, extra, intra, both. Is that clear everybody? Corals have a skeleton. The skeleton is made up of calcium carbonate CaCO3. Important. Skeleton hota hai. Now they have two basic forms. Ek hota hai free floating form which is called the medusa head. And the one which is attached to the base is called as polyp. Now former sessile. Polyp is attached to the base. Medusa is free floating. So polyp kaun kaun hai? Hydra, Adamecia. Umbrella shaped free swimming kaun hai? Aurelia or jellyfish. Is that clear? So polyp कौन है? Adamecia, MCQ. ये free swimming कौन है? Jellyfish, MCQ. Now they exist in two forms. Polyp to medusa asexual, medusa to polyp sexual. PMA, yes, MP state. मैंने पहले भी बोला है प्रधानमंत्री एंड मध्य प्रदेश स्टेट नालायकों कितनों को याद है यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे जो बच्चे मैं इतना आपको गारंटी के साथ कहती हूँ बेटा जिस बच्चे ने हिम्मत कर ली आज 20-25 दिन 6 बजे उठने की दो चार दिन हिम्मत करोगे आदत पड़ जाएगी पर जो बच्चा 6 बजे उठ गया मैं आपको इस चीज की गारंटी देती हूँ गारंटी बेटा तुम्हारे 350 नंबर आएंगे यू विल स्कोर 350 इफ यू गेट अप फॉर द नेक्स्ट 25 डेज सोते रह जाओगे 350 प्लस आएंगे गारंटी है मेरी 13 साल से पढ़ा रही हूं तुम बस अगले 20 दिन पढ़ जाओ तुम्हारे 350 नंबर से ज्यादा आएंगे और अगर तुम्हारे 350 355 आ गए तो गाइस तुम्हारे 600 आने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अगर तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री में कम स्कोर भी करते हो राइट दैट इज हाउ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी इज दैट इज हाउ मेनी क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम हियर डायरेक्ट क्वेश्चंस डन चलो तो ये जो मेटाजेनेसिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीएम एट मध्य प्रदेश स्टेट पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली मेडुसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर एमसीक्यू क्वेश्चन फाइजेलिया एडमीसिया सी एनिमल सी पेन पेनेटुला सी फैन गॉर्गोनिया ब्रेन कोरल मियांड्रिना पूरे एग्जाम्पल रट्टे मार लो 100% क्वेश्चन आएंगे 100% क्वेश्चन आने वाले डन स्टीनोफोरम चलो नालायक पार्टी जिंदाबाद चलो 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 सी वॉलनट कूम जेलीज किसे कहते हैं स्टीनोफोरम ये दिख रही है ये क्या है कूम प्लेट्स कूम प्लेट्स कूम प्लेट्स राइट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से क्या आता है बेटा ये ग्लो करते हैं रात को इसमें एक क्वेश्चन आता है कूम प्लेट्स फिर दूसरा आता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फिर आता है बायोलुमिनेसेंस ये रात को ऑर्गेनिज्म ग्लो करते हैं अंडरस्टूड जो भी ऑर्गेनिज्म रात को ग्लो करता है फाइलम स्टीनोफोरा उसका नाम है एग्जाम्पल है इसका फ्लोरोब्रेकिया स्टीनोफ्लैना डन इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा ये दो क्वेश्चन आएंगे प्लीज इसको रटके मार के याद रखो कौन से दो क्वेश्चन आएंगे माने मत ने बोल दिया फ्लोरोब्रेकिया स्टीनोफ्लैना एंड बायोल्यूमिनेसेंस याद रहेगा फ्लोरोब्रेकिया स्टीनोफ्लैना बायोल्यूमिनेसेंस इज दैट क्लियर एवरीबॉडी ये रहा फ्लोरोब्रेकिया एग्जांपल ये अगर डायग्राम एग्जाम में आ जाए याद आज आप प्लैटी हेलमेट थे इनको कहा जाता है प्लेटफॉर्म चपटे होते हैं बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं इनके अंदर सीलोम नहीं होती है ए सीलोमेट होते हैं ये ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एमसीक्यू में आया हुआ है
इनके पास ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है फ्लेम सेल. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. प्लानेरिया जो है वो बहुत ज्यादा रीजेनरेशन कर सकता है. टेपवर्म, लिवर फ्लूक, इसके दो एग्जाम्पल है. फिशुला हेपेटिका, टीनिया सोलियम. इज दैट क्लियर? Right, everybody. Amsa Hari. Okay, I will. But guys, I'm just reading out. The words are all in English. You will all be able to understand them. Right? So what is it? Bilaterally symmetrical. That's an English word. You'll understand it. Tissue level of organ level of organization. Osmoregulation. Fertilization is inside the body. Right? Development is through many larval stages. Understood, everyone on this. Platelet with the state form, liver fluke are two examples. Ascelmynth is important. Ascelmynth is a round worms, ascaris, lumbricoides, organ system. MCQ, pseudocoelomate. MCQ, the elementary canal is complete. That means they have a mouth and a anus. Just underline these words and do them again and again. Complete. They have a muscular pharynx, but the most important MCU will come from dicysts. Male, female are separate. Can you see female is longer? Yes. Can you see male is coiled at the back? Yes. Dicysts. Females are longer. Male is coiled. Male, female separate. Dicysts. Internal development. Human beings are the only ones who carry it. Ascaris lumbricoides, Ustrichia bancrofti, Brugii mallei, Filarial worms and Chylostoma hook worm. MCQ question. Clear? Adya, how are you? Arya, Anjali, Amsa, Rajibala, Leela, Shivlangaya, Hiremata. Did you understand? Adya, did you understand? Gayatri, Janvi, Praveen, Gayatri Agarwal, Annalida. Let's move to Annalida. Annelids. Neer is hirudinuria, which will secrete hirudin, which is an anticoagulant. Right? They are aquatic, marine and fresh water. First of all, organ system level of organization. Organ system level of organization. Very important organ system. Bilateral symmetry. You can cut them from the middle into two equal halves. They have repeat segment. Just like I discussed in terms of metameric segmentation. Is that clear? They have longitudinal muscles. Muscles like this. And circular muscles, which will help them in movement. This longitudinal and circular, two types of muscles, is coming for the first time. That is why it is very important. They have longitudinal muscles, circular muscle, feet like extensions, very important. MCQ question, parapodia. Feet like extensions are there, parapodia. Right, everybody? Now, till now, we read a special cell for excretion whose name was flame cell. Now, read one more type of cell for excretion, nephridia. Nephridia. They have a group of nerves called ganglia. You are reading this word for the first time. Neris is an aquatic form, is dioecious. But earthworm and leeches are monoecious. So dioecious means sexes are separate. Neris, earthworm is monoecious. That means it is hermaphrodite. Both male and female are in a single organism. Monoecious, questions come. Parapodia, questions come. Nephridia, questions come. Right? Let's come to phylum arthropoda. Can you see MCQs? Can you see how many times I've written MCQ on this page? Can you see how many times? Yes, everybody. Ananya, Bhagwati, can you see how many times I've written? Kash, I hope this would have been an offline class. I would have got a danda, pitted you properly. Yes, but 6 baje bulati, raat ke 9 baje ghar bhejti, padha padha ke. Done? Now please pay attention. It is the largest phylum of Animalia. It includes insects. 2/3 of all named species on earth are arthropods. They are bilaterally symmetrical, right, left, equal. Triploblastic, that means made up of 3 germ layers. They have a head, they have a thorax, and they have an abdomen. So they have a head, they have a thorax, and they also have an abdomen. They have jointed appendages. Very important. Respiratory organ are gills, book lungs, or the tracheal system. In aquatic, they will have, right, gills. Circulatory system, no blood vessel, hemocele, open type, eyes are compound and simple, they have antennae and statocysts. Most important question,
फ्लेम सेल्स पढ़ लिया, नेफ्रीडिया पढ़ लिया, अब एक्सक्रीशन के लिए आ गए मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स, डाइशियस मेल फीमेल सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, एग लेइंग, डेवलपमेंट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. अब बताओ बुक गिल्स किसमें होते हैं, किसमें होते हैं बुक लंग्स और बुक गिल्स किसमें होते हैं बताइए, कम ऑन लेट मी सी द चैट सेक्शन, किसमें बुक गिल्स होते हैं किसमें बुक लंग्स होते हैं, एनीबॉडी, भगवती ओके, किसमें होते हैं आर्थ्रोपोडा के, अरे गिव मी स्पेसिफिक एग्जांपल्स, गिव मी स्पेसिफिक एग्जांपल्स, स्कॉर्पियन हैज बुक लंग्स, वेल डन, बुक गिल्स, गिल्स किसमें होते हैं, gills, prawns, well done. And now emotionally important, honeybee, apis indica, wombat moly, silkworm, lac insect, lacifer, anopheles causes malaria, culex and aedes mosquito cause filaria as well as chikungunya. Gregarious pest, the one who destroys the crops, is locusta, living fossil is king crab. This is at least 6 to 7 times MCQs. Understood everybody? Right? Right? Well done. Very well done. Now let's come to phylum Mollusca. Locust, gregarious pest. Right? Scorpion, prawn example diye hue. Mollusca. See? Pila. This apple snail. Octopus. So it is the second largest animal phylum. Mollusks live on land. That means terrestrial. They have an organ system level of organization, bilateral triploblastic, par ye nahi aata. Aata kya hai? They are sometimes covered by calcareous shell. Most important, they have head, foot and a hump. So they usually have a head, then this is the muscular foot and they have a hump which is covered by the snail. Snail's shell. Is that clear? There is a space between, mantle is the covering. Suppose this is the mantle. There is a space between the hump and the mantle. That space will have feather-like gills which are called as stenidia. Is that clear? So, agar ye hump hai aur ye shell hai, hump aur shell ke beech mein there is a space. In that space, gills are present. One more important question which will come from here. Their tongue has teeth which is called the rasping organ. The tongue, this is the tongue. The tongue has very sharp pointed teeth-like structures. The tongue is called radula. They are able to eat anything, even stones. So these words come. First word which will come will be muscular foot, visceral hump. The space which will have feather-like gills, stenidia. Third word, rasping organ or tongue, radula. These differences will come. Is that clear everybody? Done? Done. These are the differences which are going to come in the examination. Right? What is going to come from this? King crab will come. Gregarious pest will come. Jointed appendages will come. So like that you should know what kind of questions will come. Gregarious pest will come. Living fossil will come. Wombat moly will come. Malpighian tubule will come. Jointed appendages will come. Radula will come. Right? They are diatrous, that means male and female are separate. They are going to be laying eggs. Now here, pink tada is the one which is going to produce pearls. Phyla is apple snail. Jo ink chhod dega on the face of the enemy. Cuttlefish. Squids, very intelligent. Lolligos. Devilfish. Misnomer karke aega. Which of the following is not a fish? Devilfish is not a fish. It is octopus. See here, exam mein aega. Apilesia. Dentalium is tusk shell and chiton is Caecoplura. These are examples which are very important. Right? Let me do it again. Apple snail is phyla. Pink tada produces pearls. The one which leaves ink in the face of the enemy is sepia. Squid is lolligo. Octopus is devilfish. Apilesia, dentalium and Caecoplura. Is that clear? Everyone, turn into man. Let's move forward. Phylum Echinodermata.
Then we come to phylum Hemichordata. Echinodermata fish. So Echinodermata Ascidias Ophiura. Can you see? This is brittle star. Patla patla hai. This is called brittle star. Brittle, brittle. This is starfish. This is called brittle star. So brittle star ka naam hota hai Ophiura. Is that clear? And guys, I'm not joking. I have two lectures today. One of class 11th, 2 hours. One of class 12th, 2 hours. 6 a.m. lecture. Day, two lectures in the day. Two lectures in the night, 7:30 and 9 o'clock for you. One lecture on YouTube, three lectures on YouTube. Two hours lecture on Vedanta platform. So that is 5 lectures, single person, one day. For at least next 1.5 to 2 months. Even Sunday I had two lectures. I'm not doing it for myself. And I'm saying that on YouTube live. I'm not here to work for money. Really not here to work for money. Money is a consequence. Aap kamate ho, it's a consequence. It is okay, it happens. Agar aaj ki date mein mere paas koi kaam na hoga yaar, kuch bhi na ho, to main shayad ek nursery khol lungi ya YouTube channel pe teenagers ki help karne ki video banaungi, theek hai? Aur ya ek chota sa kuch 5-6 bench laga kar जो आसपास के बच्चे उनको पढ़ा दूंगा. 11-12 तक के बच्चों को मैं लगभग सब कुछ पढ़ा सकती हूँ. फिजिक्स केमिस्ट्री 11-12 की नहीं पढ़ा सकती, पर 10 तक तो सब कुछ पढ़ा सकती हूँ. यस, किसी स्कूल जाके अपना टाइम वॉलंटियर कर दूंगी. बट रियली कुछ नहीं होगा तो यार एकदम मतलब फ्री में बच्चों को पढ़ा दूंगी यूट्यूब पे या कहीं पर भी. दैट्स परफेक्टली फाइन. मतलब ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं. राइट, वाणी का वॉइस चैनल है, उस पर मैं एकदम वीडियो बना के टीनेजर्स को बता दूंगी उनके क्या इश्यूज हैं. रोज एक एम ए कर दूंगी इंस्टाग्राम पे ताकि किसी की हेल्प हो जाए. दैट्स नॉट द थिंग. द थिंग इज यार तुम लोग पढ़ो. आई डू इट फॉर यू. दिन में 5-5, 6-6 घंटे, 7 घंटे दिन में क्लासेस लेना मेरे गले का बैंड बच जाता है. सो मेनी टाइम्स आई थिंक यार बस बहुत हो गया, अब तो बस छुट्टी लेती हूँ यार बहुत. देयर आल्सो यार नो, आई कांट टेक अ हॉलीडे बिकॉज इतने बच्चे डिपेंडेंट हैं. सो पढ़ लो, तुम्हारी लाइफ बन जाएगी. Yes, you will become something in your life. You will do something in your life. Study, please study. It is your life. Study. किसी अच्छे कॉलेज चले जाओगे. And अच्छे कॉलेज की फीस है 3,000, 4,000, 5,000. पढ़ो यार, पढ़ो. हमने तो जो लाइफ में करना था कर लिया, बनना था बन गए. Now it is your time to shine. तुम लोग पढ़ोगे तो यू नो सोसाइटी आगे बढ़ेगी, तुम्हारी फैमिली आगे बढ़ेगी, तुम्हारे पेरेंट्स को कितना अच्छा फील होगा. यार माय पेरेंट्स आर सो प्राउड ऑफ मी, माय फैमिली इज सो प्राउड ऑफ मी, माय कजन्स, एवरीबडी. तुम लोग पढ़ो यार, मेहनत करो. 40 दिन रह गए, ऐसे निकल जाएंगे 40 दिन, पता भी नहीं चलेगा. पढ़ो. यस, खूब मेहनत करो गाइस, बहुत मेहनत करो, बहुत अच्छे से पढ़ो. अंडरस्टूड? चलो तो अब आ जाओ इकाइनोडर्माटा. वे ब्रिटल स्टार देख लिया, इसके पैर पतले पतले हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया है हमने ब्रिटल स्टार. ब्रिटल स्टार को कहते हैं ऑफ्यूरा. अंडरस्टूड? यस, बिल्कुल. एक मिनट भी वेस्ट मत करो यार. अब आ जाओ इकाइनोडर्माटा इसलिए कहा है क्योंकि कांटी भी होते हैं. दे हैव स्पाइनी बॉडी, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट. एडल्ट रेडियल है एडल्ट, बट इसका जो लार्वा है वो बायलैटरल है. देखो बायलैटरल सिमेट्रिकल लार्वा एमसीक्यू में लिखा हुआ है. ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, माउथ और एनस दोनों होता है. बट याद रखना माउथ इज ऑन द वेंट्रल साइड लोअर साइड, एनस इज ऑन द डॉर्सल साइड. ऊपर की तरफ एनस, नीचे की तरफ माउथ. माउथ एनस, माउथ एनस, माउथ एनस. माउथ इज ऑन द वेंट्रल साइड. एमवी वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है. मैंडिलोपोराइड नाम का छेद होता है, उससे पानी लेता है, रिंग कैनाल पे जाता है, रेडियल कैनाल पे जाता है, ट्यूब फीट पे जाता है. राइट, सो इसके ट्यूब फीट आप मेरे वो फुल वाले लेक्चर देख लेना. अभी तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी से लाइंस मार्क करवा रही हूं. सो इसका मैंडिलोपोराइड, रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल, ट्यूब फीट पे जाता है. इट हेल्प्स इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है. एग्जांपल्स Ascidias is starfish, Echinus is urchin, sea lily is antidon, sea cucumber is cucumeria, but most important is Ophiura, which is nothing but the brittle star.
अंडरस्टूड? ठीक है चलिए अभी आते हैं हेमी कॉर्डेटा, फिर आ जाएंगे हम कॉर्डेट्स पे. ऑलराइट, हेमी कॉर्डेटा, हेमी कॉर्डेटा को पहले सब फाइलम माना गया था बट अब एक सेपरेट फाइलम कर दिया है. वर्म लाइक एनिमल्स होते हैं बैलेनोग्लॉसिस. प्रोबोसिस इसका सकल, इसको कहते हैं प्रोबोसिस, इसको कहते हैं कॉलर, इसे कहते हैं प्रोबोसिस, इसे कहते हैं कॉलर. राइट, वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, इनका माउथ टाइप सकर होता है प्रोबोसिस, इसे कहते हैं कॉलर. और ये ऑब्वियसली एक लंबी सी ट्रंक होती है, उसके बाद एंड में टेल होती है. इज दैट क्लियर? सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है, रेस्पिरेशन डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है. अब कॉर्डेटा में इंपॉर्टेंट है यूरोकॉर्डेट, सेफेलोकॉर्डेट, हेमिकॉर्डेटा ओनली रिमेंबर बैलेनोग्लॉसिस, सैकोग्लॉसल, माउथ लाइक प्रोबोसिस. एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है बैलेनोग्लॉसिस एंड सैकोग्लॉसिस. ये रहा बैलेनोग्लॉसिस. अब आ जाओ कॉर्डेट्स पे. कॉर्डेट्स के पास नोटोकॉर्ड होती है और डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड होती है. नर्व कॉर्ड दिख रही है? नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड और गिल स्लिट्स. याद है चार चीजें याद रखनी है. कॉर्डेट क्यों कहा? क्योंकि चार चीजें हैं. एक है पोस्ट एनल टेल. There is a tail. The tail is called the post-anal tail. Gill slits है, notochord है, nerve cord है. Is that clear? चार चीजें हैं. nerve cord, notochord, gill slits, post-anal tail. Understood? What is the difference between chordates, notochord? Notochord है, notochord नहीं है. Dorsal nervous system है. It is ventral. हमारा ventral क्या है? Heart. इनका हार्ट होता है डॉर्सल लोअर ऑर्गेनिजम्स का. हमारा वेंट्रल हार्ट है, डॉर्सल नर्वस सिस्टम है. फैरिंग्स में गिल स्लिट्स होते हैं, गिल स्लिट्स हमारे आर्चेस, फैरिंजियल गिल स्लिट्स. एंड टेल प्रेजेंट होती है, टेल एब्सेंट होती है. इज दैट क्लियर एवरीवन? सो कॉर्डेट्स के पास नोटोकॉर्ड है, नर्व कॉर्ड है, वेंट्रल हार्ट है, डॉर्सल नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड है, पोस्ट एनल टेल. इनके तीन सब फाइला होते हैं, यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा. तीन पार्ट्स हैं. इज दैट क्लियर? यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा कहते हैं, सेफेलोकॉर्डेटा कहते हैं एंड वर्टिब्रेटा. इज दैट क्लियर? यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा को प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं, सबसे पहले वाले प्रोटोकॉर्डेटा. यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वा की टेल में होता है. सेफेलोकॉर्डेटा में हेड से टेल तक होता है, सेफेलिक हेड. सो तीन पार्ट्स है यूरोकॉर्डेटा, वेयर प्रोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वा, सेफेलोकॉर्डेटा थ्रू आउट लाइफ. यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है एसिडिया, सेल्पा, डोलियोलम, बहुत इंपॉर्टेंट है. सेफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है एम्फियोक्सिस लैंसलेट, जिसको ब्रिंकियोस्टोमा कहते हैं. यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड इज ओनली प्रेजेंट इन द टेल रीजन, सेफेलोकॉर्डेटा में इट इज प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल. यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है एसिडिया, डोलियोलम, सेल्पा. सेफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है एम्फियोक्सिस लैंसलेट, ब्रिंकियोस्टोमा, जिनके पास नोटोकॉर्ड की जगह एक वर्टिब्रल कॉलम है जो पहले कार्टिलेजिनस होता है, बाद में बोनी होता है, उनको हम वर्टिब्रेटा कहते हैं. हार्ट वेंट्रल होता है या टू चेम्बर्ड या थ्री चेम्बर्ड या फोर चेम्बर्ड. राइट, किडनीज होती हैं, इनको हमने वर्टिब्रेटा कह दिया, वर्टिब्रेटा. एंड ऑब्वियसली पेयर्ड अपेंडिजेस होंगे, दो हाफ, दो अपर लिम्स, दो लोअर लिम्स. जिस वर्टिब्रेटा के पास जॉ नहीं है उसको कहेंगे साइक्लोस्टोमेटा, चार या पांच बार एमसीक्यू में आ चुका है. जिनके पास जॉ है, ग्लैथियन इज जॉ, ग्लैथियन, ग्लैथियन, जिसके पास जॉ है नाथोस्टोमेटा. पाइसेस के पास फिन्स है, कार्टिलेजिनस फिशेस कॉन्ड्रिक्टीज, बोनी फिशेस ऑस्टी, चार पैरों वाले टेट्रापोडा, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबीज एंड मैमेलिया. इज दैट क्लियर? डन? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? चैप्टर 4 है बेटा क्लास 11 का, कैसे नहीं मिल रहा है? नाउ जॉलेस वर्टिब्रेटा का नाम है टीरोमाइजोन. राइट, कार्टिलेजनस फिशेस एमसीक्यू में आता है स्कॉलिडॉन,
प्रिस्टेस, ये देखो प्रिस्टेस, ये देखो आरी शेप प्रिस्टेस कॉलिडोन, ये क्या है कार्टिलेजिनस फिशेस। आ जाइए राइट साइक्लोस्टोमेटा करेंगे, कॉन्ट्रिक्टीज करेंगे। पहले साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा जो है उनके पास सर्कुलर माउथ फॉर सकिंग होगा। साइक्लो मतलब राउंड, स्टोमेटा मतलब ओपनिंग, माउथ अगर राउंड है, माउथ की ओपनिंग अगर राउंड है उसका नाम होता है साइक्लोस्टोमेटा। इज दैट क्लियर? साइक्लोस्टोमेटा। इनके पास गिल स्लिट्स होते हैं, इनकी बॉडी में स्केल्स नहीं होते हैं, स्केल्स राइट स्क्यूड स्केल्स नहीं होते हैं। आगे चल के आएंगे राइट एवरीबॉडी। ये कार्टिलेजिनस होती है, सर वर्टिब्रेटा सब कार्टिलेजिनस होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दे आर मरीन बट माइग्रेट फॉर लेइंग एग टू फ्रेश वाटर। वैसे समुद्री पानी में पाई जाती है बट माइग्रेट करेगी फ्रेश वाटर फॉर लेइंग एग्स। और लार्वा मेटामॉर्फोसिस के बाद ओशन पे आ जाएगा। इनके एग्जाम्पल दो है साइक्लोस्टोमेटा के। साइक्लोस्टोमेटा के एग्जाम्पल आते हैं टीरोमाइजोन जिसको लैम्प्री कहते हैं, मिक्सी जिसको हैगफिश कहते हैं। दोनों एग्जाम्पल याद, दोनों एग्जाम्पल्स प्लीज याद। अब आ जाओ कार्टिलेजिनस फिशेस। कार्टिलेजिनस फिशेस का माउथ वेंट्रल होता है, नीचे की तरफ। शार्क्स वगैरह देखो माउथ वेंट्रल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नोटोकॉर्ड हमेशा होती है। इनके पास ऑपरक्यूलम गिल स्लिट्स नहीं होते बिकॉज ऑपरक्यूलम एंड गिल स्लिट्स आर फाउंड इन बोनी फिशेस। एमसीक्यू। गुड मॉर्निंग बेटा लता, गुड मॉर्निंग। नो लीला, गुड मॉर्निंग। इज दैट क्लियर? इनका माउथ वेंट्रल होगा, ऑपरक्यूलम नहीं होगा। टीथ की जगह प्लैकोइड स्केल्स, टीथ प्लैकोइड स्केल्स एमसीक्यू। जॉज आर वेरी पावरफुल, दे डोंट हैव एयर ब्लैडर, इसीलिए कार्टिलेजिनस फिशेस को कंटिन्यूसली स्विमिंग करना होता है। दे कैन नॉट फ्लोट, दे डोंट हैव एयर ब्लैडर। एक एक चीज है, ऑपरक्यूलम एमसीक्यू, प्लैकोइड स्केल एमसीक्यू, एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर एमसीक्यू। आ जाए हार्ट। कार्टिलेजिनस फिशेस का टू चेंबर होता है, वन ऑरिकल वन वेंट्रिकल, बिकॉज ऑफ विच मिक्सिंग ऑफ दैट टेक्स प्लेस। सब इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं टॉर्पीडो में, पॉइजन स्टिंग होता है ट्राइगोन में, दे आर कोल्ड ब्लडेड पोइकिलोथर्म। एमसीक्यू दोनों तीन तीन चार चार बार आए हुए हैं। इज दैट क्लियर? कई बार मेल्स में पेल्विक फिन्स होते हैं, शार्क्स में होते हैं, बिकॉज ऑफ विच दे होल्ड द फीमेल। पेल्विक फिन्स को क्लास्पर्स कहते हैं, शार्क्स में देखे जाते हैं, दे कॉज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डॉगफिश स्कॉलिडॉन, सॉफिश प्रिस्टिस एमसीक्यू, शार्क कार शरोडॉन, ट्राइगोन स्टिंग्रे एमसीक्यू। कम टू बोनी फिशेस। बोनी फिशेस का जो गिल है, गिल के बाहर कवरिंग है जिसको ऑपरक्यूलम कहते हैं, वहां पे प्लैकोइड स्केल्स थे, यहाँ पे साइक्लोइड और स्टीनोइड स्केल्स हैं। एयर ब्लैडर होता है, दैट इज व्हाई दे डोंट हैव टू स्विम, दे कैन फ्लोट बियॉन्ड सी। वन ऑरिकल वन वेंट्रिकल, कोल्ड ब्लडेड, ओविपेरस। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट विदाउट लार्वा, देयर इज नो लार्वा राइट। फ्लाइंग फिश आया हुआ एग्जाम में, एक्सोकोइटस, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा था ऊपर, सी हॉर्स, लेबियो, कतला, क्लैरियास एमसीक्यू मल्टीपल टाइम्स, फ्रेश वाटर मगुर एक्वेरियम में, बेटा फाइटिंग फिश, एंजल फिश इज स्टीरोफाइलम। अंडरलाइन एवरीथिंग। आ जाइए एम्फीबियंस पे। एम्फीबियंस नाउ देयर बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। हेड ट्रंक आम के नीचे यहां पर एक गोला होगा जिससे दे विल बी एबल टू लिसन, दैट इज कॉल्ड द टिम्पैनम व्हिच इज मेंट फॉर हियरिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी रिप्रोडक्टिव, एलिमेंट्री यूरिनरी रिप्रोडक्टिव और ओपन इनटू अ कॉमन चेंबर। एलिमेंट्री यूरिनरी रिप्रोडक्टिव ओपन इनटू वन चेंबर। कितने ऑर्गन सिस्टम्स ओपन होंगे? तीन। एलिमेंट्री यूरिनरी रिप्रोडक्टिव दैट कॉमन चेंबर इज कॉल्ड क्लोका। रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, इज बाय लंग्स और थ्रू स्किन। स्किन की रेस्पिरेशन को क्यूटेनियस कहते हैं। एम्फीबिया हैव थ्री चेंबर्ड हार्ट जस्ट लाइक रेप्टाइल्स, बट क्रोकोडाइल हैव फोर चेंबर्ड हार्ट। सेक्स इज सेपरेट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, एमसीक्यू क्वेश्चन। लार्वा फ्रॉग का लार्वा टैडपोल, दे हैव बूफो राना टिग्रियाना ट्री फ्रॉग, टोड फ्रॉग ट्री फ्रॉग, सैलेमांड्रा एंड लिम्बलेस एम्फीबियन।
is ichthyophis. एमसीक्यू क्वेश्चन, एक एक चीज मार्क करवा दी है. कैमेलियन, क्रोकोडाइल, चीलो, नजा नजा, कोबरा. अंडरस्टूड रेप्टाइल्स, प्लीज पे अटेंशन. सब कुछ एमसीक्यू है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट, क्रीपी क्रॉलिंग क्रिएचर सबसे इंपॉर्टेंट इनकी बॉडी में, बिकॉज दे डोंट ड्रिंक वॉटर, दे नीड टू सेव वॉटर. देयर बॉडी विल हैव स्केल्स और स्क्यूज. Tympanum for ear, all of them three chambered. At least 20 times this question has come. Crocodile is four chambered. Snakes and lizards keep shedding their skin. Right, everybody. Fertilization is inside the body. वहाँ पे external amphibian में, यहाँ internal हो गया. Egg laying, oviparous, direct. ये याद करो इसमें. Chilon is turtle, MCQ. Testudo's tortoise, MCQ. Camelion not so much MCQ. Callos garden is not so much. Crocodile not so much. Alligator not so much. Hemidactylus, Naja is cobra, and viper is viper. Bangarus is crate. Chilon and Testudo are MCQ questions. Aves except ostrich and kiwi. Right, emu, flightless birds. Ostrich and emu. बीक होती है, टीथ नहीं होते. बीक इज अ मॉडिफिकेशन टू मेक द बॉडी लाइट सो दैट दे कैन फ्लाई. देयर बोन्स आर लाइट, बोन्स आर लाइट, न्यूमैटिक बोन्स. फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स. सो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस होंगे. दे हैव अ ऑयल ग्लैंड क्लोज टू द टेल जिसको प्रीन ग्लैंड भी कहते हैं. दे हैव एयर कैविटीज विच आर कनेक्टेड टू द लंग. एयर कैविटीज सो दैट द बॉडी इज लाइट. दे आर एबल टू फ्लाई. They have a crop and a gizzard. Crop is meant for temporary storage of food. Gizzard is meant for crushing of food. They are warm-blooded animals, homeotherms. They can maintain internal, they can maintain a constant temperature. Reptiles were poikilotherms. These are homeotherms. Right? Neophron, you can see white bald eagle, struthio, ostrich, pistacula, tota, pistacula, and palo. The air sacs are connected to the lungs. Crow ko kahenge corvus, pigeon ko kahenge columba, parrot, ostrich, peacock, penguin is called as eptinodites, neophron is called vulture. Aa jao mammalia page. They have memory glands, they are meant for walking, running, climbing. Platypus is duck-billed platypus. It is an egg-laying mammal. Yes, bat is also a mammal. Right, everybody? Ornithorhynchus, Macropus, Pteropus, bats, and Balaenopetra, whale. MCQ, Balaenopetra, Pteropus, MCQ, Macropus, and obviously Ornithorhynchus. Inke paas hair hota hai, pinna hota hai, fertilization internal hoti hai, egg-laying. Right, ornithorhynchus, egg-laying mammal, exam mein aayega, duck-billed platypus and spiny anteater, echidna, viviparous, kangaroo, flying fox, pteropus. Right, is that clear? It looks like a bat but it's basically a flying fox. Camelus, camel, macaca malaca, monkey, rattus, rat, dog, felis, cat, elephant, equus, horse, delphinus is dolphin, blue whale, panthera, tigris and panthera lion. यहाँ पर आपका लगभग चैप्टर खत्म होता है. अब देखो, आपको अगर इतना याद करने किसी निमोनिक की जरूरत नहीं. ये सारे सिमेट्री, सीलोम, सेगमेंटेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी फीचर्स. प्लीज, स्पून प्लेट्स एमसीक्यू, स्नाइडोब्लास्ट एमसीक्यू, फ्लैट बॉडी एमसीक्यू है, रिंग्स, एनालिडा एमसीक्यू है, जॉइंटेड अपेंडिजेस एमसीक्यू है, शेल एमसीक्यू है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम एमसीक्यू है, प्रोबोसिस एमसीक्यू, सब बताए, नोटोपॉड, यस, गिल स्लिट्स एमसीक्यू. And this is the summary from where I quite didn't find any question which is going to come. That's all. In just 1 hour, one more chapter is over. अब मुझे पता है तुम लोगों को physics और chemistry में बहुत problem हो रही है. ले लो crash course, मुझ पे विश्वास रखो. एक-एक पैसा आपका वसूल हो जाएगा, guys. 3,500 rupees आपके top colleges की India में fees है एक साल की. Don't think about the little money that you are spending now. Think about your physics, which is weak, जिसमें 50-60 marks भी नहीं आ रहे हैं. Think about your chemistry, physical chemistry, which is weak. Think about all the tests that you have not given. Please listen to me and give that. I will also see you at 7 p.m.
7:30 PM molecular basis of inheritance, and I will also see you at 9 PM for your test. Is that clear, everybody? Done? So let us now also focus. See, my classes are there. I will be teaching you. And please make sure, my dear children, please understand this and make sure that you are joining this crash course. English and Hindi separate. You can see this. Just click on buy the course or Ajao classes. Done? Take care. Bye, guys. My code is VTNEET. If you really need to give the crash course, 500 plus assignments are shared with you. So please don't miss the crash course. Okay? I'll see you at 9 PM. You see topic at test to me and tomorrow again at 6 AM. Bye, guys. Bye. Bye, guys.